दोस्तों शर्ट बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना ज़रूरी है। दोस्तों शर्ट बनाते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों को जब नई नई शर्ट बनाते हैं तो उसको पता नहीं होता है कि किस तरीके से शर्ट बनाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा शर्ट बनाने की। तो दोस्तों ये हमारी शर्ट है, ये इसका खर्चा मारी किया हुआ है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सबसे फास्ट तरीका कैसे है कि शर्ट कैसे बनाएं, कि दोस्तों जब भी हम शर्ट बनाएं तो हमारे नज़दीक रहनी चाहिए जो कपड़ा है वो। तो दोस्तों ये हमारी बटन पट्टी है दोस्तों, तो ये 2 इंची की है, तो हमें 1 इंची रखना होगा इसको। तो ये किनार है तो इसको हमें अलग कर लेना है इस तरीके से। यदि हम इसको अलग नहीं करेंगे तो आगे से शर्ट में क्या है कि थोड़ी उठी हुई होगी दोस्तों, इसकी हम कटिंग नहीं करेंगे तो ये उठी हुई दिखाई देगी। और इसके बाद में हम इस तरीके से इसको मोड़ लेंगे, और मोड़ने के बाद में हम यहाँ पर इस तरीके से नाखून लगा लेंगे इस तरीके से अच्छे से, और यहाँ से हम एक लड़की सिलाई लगाएंगे दोस्तों। और दोस्तों इस तरीके से हमें यहाँ पर अच्छे से नाखून लगाते जाना है, और यहाँ पर हमें ये बटन पट्टी है। तो दोस्तों हमें दोस्तों ये उल्टी साइड है, ये हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा बनाएं तो अंदर की साइड में मोड़े दोस्तों। इस तरीके से हमें मोड़ते जाना है, और यहाँ पर हमें इस तरीके से सिलाई लगाना है। इस तरीके से दोस्तों हमें सिलाई लगा लेनी है बटन पट्टी पर दोस्तों इस तरीके से। और दोस्तों इसको हम अपने पास ही रख लेंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर रखेंगे तो हमारा टाइम ख़राब होगा। और ये है दोस्तों हमारी फैसन पट्टी चिपकी हुई है, ये सीधी साइड है, ये यहाँ पर 2 इंची का निशान है, यहाँ पर हमने फैसन पट्टी चिपका रखी है, और ये किनार है। तो दोस्तों इस किनार को यहाँ से हटा लेना है, लगभग हमें 1/2 इंची या 2 सूत रख लेना है, और बाकी के किनार को हटा देना है इस तरीके से। इस तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है। इससे क्या होगा कि हम इस किनार को रख लेंगे तो काज करने में दिक्कत होगी, तो हम इसको ये किनार है इसको हटा देना है। और इसके बाद में दोस्तों हमें इस तरीके से यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर बोंट की सिलाई भी लगा सकते हैं और लब की सिलाई भी लगा सकते हैं, दोनों प्रकार की सिलाई लगा सकते हैं। दोस्तों मैं इसमें लब की सिलाई लगाऊंगा दोनों तरफ, तो आप इस तरीके से यहाँ पर लब की सिलाई लगा लेना। सबसे पहले हम किनार पर लगा लेते हैं, इस तरीके से दोस्तों हमें किनार पे लगा लेनी है। और इसके बाद में यहाँ पर भी हमें किनार पे लगानी है, यदि हम यहाँ पर बोंट की लगाएंगे तो यहाँ पर भी हमें बोंट की लगानी होगी, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर किनार की लगाई हैं तो यहाँ पर भी हमें किनार की लगानी है। तरीके से दोस्तों ये हमारी एसन पट्टी है वो बन के तैयार है दोस्तों। तो अब आपको मैं जेब लगाना बता देता हूँ कि जेब किस प्रकार से लगाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आर्म होल कटा हुआ है, यहाँ से ये हमारा आर्म होल है, तो इसको यहाँ से इस तरीके से मोड़ लेना है। ये हमारा जितना आर्म होल है दोस्तों, बड़ी शर्टों में तो आर्म होल ज़्यादा आता है, जैसे 9.5 हो गया, 9 हो गया, तो दोस्तों हम उसकी जेब लगभग 8.5 या 9 इंची पर लगा देते हैं। लेकिन छोटी शर्टों में दोस्तों आरम इसका आरम होल होता है वो सीने के हिसाब से होता है, बड़ी में भी सीने के हिसाब से होता है, लेकिन दोस्तों जिसका सीना यानी कि 36-38 हो तो उसको 9.5 या 9 इंची आरम होल रखेंगे। और तो दोस्तों इसका आरम होल है शर्ट का, तो ये लगभग 7.5 इंची का आरम होल है, तो हमें यहाँ पर 7.5 इंची पर ही लगाना है जेब। और यहाँ पर हम लगभग 2 इंची का निशान लगा लेंगे इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से 2 इंची का निशान लगा लेंगे, और एक निशान हम नीचे भी लगा लेंगे इस तरीके से लगा लेंगे। तो दोस्तों
ये हमारी जेब फोल्ड की हुई है, तो दोस्तों आपको भी इस तरीके से फोल्ड कर लेनी है। और ये ऊपर से हैं वो 1 इंची मुड़ी हुई है, डबल में है दोस्तों, इस तरीके से ये मुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हमें लपकी सिलाई लगा लेनी होगी इस तरीके से। आप चाहे तो इसको सीधी साइड में भी लगा सकते हैं, और आप चाहे तो उल्टी साइड में भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है किस तरीके से लगाते हैं। इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है, और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसका इस तरीके से वो काट देना है। लगभग हमें 2-2 सूट रख लेना है, और बाकी के कपड़े को इस तरीके से कटिंग कर देनी है, इस तरीके से कटिंग कर देनी है। और कटिंग करने के बाद में दोस्तों इसको अच्छे से इस तरीके से नाखून लगा लेना है, इस तरीके से अच्छे से नाखून लगा लेना है। और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों जो हमने इसका आरंभ और 7.5 इंची है, हमने ये नाखून भी लगाए हैं वहाँ पर रख लेना है। और ये 2 इंची का हमने निशान लगाया है, वहाँ पर हमें इस तरीके से रख लेना है। ये लाइन भी हमें मिला लेनी है अच्छे से इस तरीके से। और मिलाने के बाद में यहाँ पर हम एक घूंट पर इस तरीके से रखेंगे, और रखने के बाद में यहाँ से हम पक्का करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हम एक घूंट की सिलाई लगाते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर हमें 1-2 ये हमारी 2 टेप हैं। तो दोस्तों हमें इस तरीके से ये लगभग 2.5 टेप लगा लेते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों हमें इस साइड में भी हमें इतनी टेप लगानी है जितनी हमने यहाँ पर टेप लगाई है, और ये लाइनों का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमें ये 2 इंची का निशान लगाया है, इस तरीके से हमें सीध में रख लेना है, और इसकी किनार की सिलाई लगा देनी है इस तरीके से, इस तरीके से। और इस तरीके से इसको यहाँ पर भी हमें किनार की सिलाई लगानी है। ध्यान रखिए दोस्तों कि यहाँ हमें किनार की सिलाई लगानी है, यहाँ पर ये हमारी सिलाई आ रही है, ये हमारी सिलाई आ रही है, तो इसके साइड में एक सिलाई और नहीं जानी चाहिए। इस तरीके से हमें तालमेल बिठाना होगा। यदि हम यहाँ पर थोड़ा सा अंदर की साइड लगेंगे तो बर्दी सी होगी दोस्तों, ख़राब लगेगी। तो हमें ऐसा तालमेल बिठाना होगा कि इसके किनार में हमें अच्छे से सिलाई लगानी होगी, ताकि यहाँ पर कोई हम दूसरी सिलाई भी निकाल सकें वो निकल ना सकें इसके नज़दीक। इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है दोस्तों। सिलाई का काम है वो बारीक काम है दोस्तों, आँखों पर विशेष ध्यान दे के काम किया जाता है दोस्तों। इस तरीके से जब हम बार बार अभ्यास करेंगे तो हमारी फास्ट तरीका भी हो जाएगा दोस्तों। शुरुआत में दोस्तों हमें विशेष ध्यान रखना होता है, और फिर बाद में तो अपने आप ही हम इस तरीके से सी लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने लगभग 3 टेप लगाए हैं, 2.5 टेप लगाए हैं, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर भी 2.5 टेप लगा लेने हैं, और इस तरीके से यहाँ पर हमें पक्का कर देना है दोस्तों। इस तरीके से हमें दोस्तों ये जेब बना लेनी है और लगा लेनी है सिलाई इस तरीके से। और दोस्तों सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों हमें बैक पार्ट उठाना है। तो दोस्तों ये हमारा शर्ट का है वो बैक पार्ट है। तो दोस्तों आपको मैं तीरा जोड़ना बताऊंगा। ये दोस्तों सीधी साइड में दोस्तों हमें ये डबल तीरा है दोस्तों, ये डबल तीरा है, ये सीधी साइड है। तो इस तरीके से सीधे से सीधा रख लेना है इस तरीके से, और ये हमारा बीच का सेंटर है इस तरीके से, बीच का सेंटर मिला लेना है। और ये नीचे का कपड़ा है दोस्तों, ये हमारा नाम लिखा हुआ है, तो हमें इस तरीके से रख लेना है। और यहाँ पर बराबर में रख के बीच का सेंटर मिला के, और यहाँ पर हमें एक घूंट की सिलाई लगा देनी है इस तरीके से, मिला के नीचे के तीरे को, और ये हमारा बैक पार्ट, और ये ऊपर का तीरा इस तरीके से, और ये हमारा बीच का सेंटर इस तरीके से। और एक घूंट की सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, तीनों को अच्छे से पकड़ के बीच का सेंटर भी मिलाएंगे, और फिर यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से दोस्तों हमें ये सिलाई लगा लेनी है, और सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों हमें नीचे की साइड में इस तरीके से आएगा नाखून लगा लेना है अच्छे से इस तरीके से। और इस साइड में भी हमें नाखून लगा लेना है अच्छे से। और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों जो हमें थोड़ा बहुत कपड़ा चाव में कमबत्ती हो जाता है, तो इसको सही कर लेना होगा दोस्तों। यहाँ से हमें इस तरीके से कटिंग कर देनी है। और दोस्तों इस साइड में भी दोस्तों हमें कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। ये दोस्तों सीधी साइड है, तो ये नीचे का तीरा है, तो इस तीरे को इस तरीके से निकाल देंगे नीचे की साइड में इस तरीके से। और निकालने के बाद में दोस्तों जो हमने ये फ्रंट पार्ट है जेब वाला,
वेव वाला है, ये इसके ऊपर इस तरीके से रख देना है, इस तरीके से रख देना है, और यहाँ पर हमें एक गोंद की सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से, इस तरीके से गोंद की सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों जो हमारी जो हमारा वो बटन पट्टी वाला फ्रंट पार्ट था वो इस तरीके से यहाँ पर हमें इस तीरे पर जोड़ना है, इसको उल्टा रखना है, इसको भी उल्टा रखना है, और इस तरीके से हमें यहाँ पर तीरे पर बराबर में रख के और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है गोंद की इस तरीके से, इस तरीके से हमें एक गोंद की सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों जो हमने ये नीचे का तीरा छोड़ा था हमने नीचे की साइड में, तो इसको यहाँ रख लेना है इस तरीके से, इसके ऊपर जो हमने सिलाई लगाई थी वहाँ से इस तरीके से, और रख के और यहाँ पर हमें यहाँ पर इस तरीके से जो हमारी नीचे की सिलाई है वो सिलाई के ऊपर सिलाई इस तरीके से हमें सिलाई करनी है दोस्तों। इस तरीके से, और इसके बाद में दोस्तों हमें इसको तो निकाल लेना है, इस तरीके से निकाल लेना है। और ये जो हमने ये हमारा फ्रंट पार्ट जो बटन पट्टी का है तो इसको इस तरीके से रख लेंगे, इस तरीके से ये हमारा नीचे का तीरा है तो इसको इस तरीके से रख लेंगे, और यहाँ पर हमें जो हमने सिलाई लगाई थी उसके सिलाई के ऊपर इस तरीके से बराबर में रख के और सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। दोस्तों ये तीरा लगाने का बहुत आसान तरीका है दोस्तों, और इस तरीके से आप लगाएंगे तो सही तरीके से लगाएंगे दोस्तों। दोस्तों इसका तीरा लगाने का एक और तरीका है, लेकिन जो दोस्तों सबसे आसान तरीका है वो आपको मैं बताया हूँ दोस्तों। यदि आप इस तरीके से तीरे की सिलाई लगाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों हमें इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में इसको सीधा कर लेना है इस तरीके से, और सीधा करने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ से इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद में दोस्तों हम यहाँ पर एक लग की सिलाई लगा देंगे तीरे के ऊपर इस तरीके से, इस तरीके से हम यहाँ पर किनार की सिलाई लगा देंगे दोस्तों। इसको लग की सिलाई भी बोलते हैं और किनार की सिलाई भी बोलते हैं दोस्तों इसको। और दोस्तों गोंद की सिलाई हम जो हम एक पैर का मार्जिन लेके सिलाई करते हैं उसको हम गोंद की सिलाई मान बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो हम कंधे पर जो सिलाई करते हैं वो गोंद की सिलाई करते हैं, और यहाँ पर हम गोंद की भी लगा सकते हैं और किनार की भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो आपकी मर्ज़ी है वो किस तरीके से आप लगाते हैं, आपको किस तरीके की चलन है आपके गाँव में आपके शहर में, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें लगा लेनी है सिलाई। तो दोस्तों हमें इस तरीके से ये तीरा जोड़ना और आपको फैसन पट्टी सिलाई करना और बटन पट्टी सिलाई करना आप अच्छे से आ गया होगा दोस्तों। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दोस्तों अगली नई जानकारी के साथ। थैंक यू।